बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बढ़ते बर्ड फ्लू को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दक्षिण भारत के दूसरे राज्यों से मुर्गों के व्यापार पर रोक लगाई जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके निर्देश जारी किए हैं। दक्षिण के राज्यों से व्यापार पर 10 दिन की रोक है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा, कुछ दिन के लिए चिकन शॉप भी बंद हो सकती है। तो बढ़ते बर्ड फ्लू को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया। दक्षिण भारत के दूसरे राज्यों से मुर्गों के व्यापार पर रोक लगाई गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, दक्षिण के राज्यों से व्यापार पर 10 दिन की रोक है। वहीं पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने कहा, कुछ दिन के लिए चिकन शॉप भी बंद हो सकती है। जान है तो सब कुछ है। बर्ड फ्लू में आज ही मैंने समीक्षा की है। चिंता की जरूरत नहीं है। जो बाकी पक्षी है कौवा सहित, उनमें लक्षण पाए गए, लेकिन कोई भी पोल्ट्री फार्म में, अभी हमने रैंडम चेक करने के निर्देश दिए, ये बीमारी नहीं है। एक गाइडलाइन सारे मैंने कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि जिले में जितने भी पोल्ट्री फार्म हैं उनके संचालकों से बात करके पूरी गाइडलाइन जारी करें, क्योंकि उसके हिसाब से पोल्ट्री फार्म चलेंगे। केरल सहित दक्षिण के राज्यों में मुर्गा मुर्गियों में भी ये लक्षण पाए गए, तो वहाँ से 10 दिन के लिए हमने तय किया है कि जो मुर्गा मुर्गी आते हैं उस पर आने पर हम रोक लगाएंगे। जो सीमावर्ती जिले हैं उनको हम लोग कह रहे हैं, चिंता की जरूरत नहीं है, पूरी स्थिति पर हम नजर रखे हुए हैं। तो बढ़ते बर्ड फ्लू को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने भी कुछ निर्देश प्रदेश को दिए हैं। पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल से खास बातचीत की है हमारे विशेष संवाददाता जुगल किशोर ने। हमसे बात करने के लिए पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल जी हैं। प्रेम सिंह जी, क्या तैयारी है विभाग की, किस तरीके से रोकथाम की तैयारी की जा रही है? जिस रोज से चालू हुआ है, 3 रोज हो गए हैं। 3 रोज मालूम पड़ते ही हम लोगों ने सभी हमारे अधिकारियों को आदेशित किया है कि इनकी जान बचाने के लिए व्यवस्था की जाए, और सभी व्यवस्था की गई है। जिस प्रकार से जगह जगह दवाई छिड़काव किया जा रहा है और दानों में दवाई डालकर भी खिलाई जा रही, इसलिए जो मरे वो तो मरे, बाकी जो बचे हुए अभी मतलब अच्छा होने अभी लगने लगे हैं। तो क्या नॉनवेज की दुकानें बंद करने का फैसला लिया गया है? आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमिश्नर कलेक्टरों को आदेश किए पूरे प्रदेश में, तो इस पे भी चर्चा हुई है। हम लोगों ने भी अभी आदेश पत्र भेजकर आदेश दे रहे हैं कि इनको सबको रोका जाए और रोका जाएगा। मतलब नॉनवेज मटन और चिकन की दुकानें बंद हो जाएंगी? बंद होगी, सब बंद होगी। देखो, जान है तो सब कुछ है, जान नहीं है तो खाना पाना तो चलता रहेगा। तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में नॉनवेज की दुकानें बंद हो जाएंगी। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है, और ये भी कहा गया है कि जो दवाइयां हैं दाने के माध्यम से कौए को खिलाई जाएगी ताकि आगे किसी कौए की मौत ना हो। कैमरामैन भरत बुंदेला के साथ जुगल किशोर शर्मा, बंसनी न्यूज़।